गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल हम आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की क्वेश्चंस भी कराए थे और आपको आज क्वेश्चंस कुछ कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको कल अभी 4 क्वेश्चंस कराएंगे, आज भी 4 या 3 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि जो हमारा दो मीडियन है कौन कौन सा, एक एयर है और हमारा दूसरा क्या है, वाटर है। तो आपको हम इसके पहले आपको फार्मूला भी बता चुके हैं कि जो भी मीडियन रहेगा हमारा, जो फार्मूला होता है, रिलेशन होता है इन दोनों में, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए एन डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, एयर टू वाटर। तो आप कैसे लिखेंगे, एयर टू वाटर से अगर जाएंगे तो हमारा जो फार्मूला होता है 1/WnA। इसका मतलब क्या होता है कि वाटर से किधर जा रहे हैं, टू एयर। क्लियर है, तो हमारा ये फार्मूला है। अगर यहाँ ग्लास की बात करेगा तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा ए एन जी इक्वल टू 1/GnA। इसका मतलब क्या है, एयर टू ग्लास, और इसका मतलब क्या है, ग्लास टू एयर। क्लियर है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, ये कैसे आता है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर डायमंड की बात करेगा, अभी ये क्वेश्चन और आएगा जो डायमंड पे रहेगा, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एन डी इक्वल टू 1/DnA। इसका मतलब क्या है, एयर टू डायमंड, और ये क्या हो जाएगा, डायमंड टू एयर। क्लियर है, ये एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट कर लीजिए अच्छे से और याद भी कर लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए एयर टू वाटर तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए वाटर टू एयर तब फार्मूला क्या लगेगा, WnA इक्वल टू 1/AnW। अगर आपसे पूछा जाए ग्लास टू एयर तो आप फार्मूला क्या लिखेंगे, GnA इक्वल टू 1/AnG। थर्ड क्या लिखेंगे, ए एन डी, यानी कि डायमंड टू एयर कहेगा तो क्या लिखेंगे फार्मूला, 1/AnD। क्लियर है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एयर टू वाटर, यानी कि AnW इक्वल टू 1.33, और आपसे पूछ क्या रहा है, WnA इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, WnA इक्वल टू 1/AnW, 1/1.33 है। क्लियर है, अब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड ये 133 का 100 में नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं आप, पॉइंट को यहाँ लगाते हैं, पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो यहाँ लगाएंगे। अब ये चेक करेंगे कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास पहुंच जाएंगे तो हम 7 का करेंगे, 7 3 जा 21 और 21 2 23 2 7 2 9 कितना आया, 931। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब उसके बाद फिर जीरो लगाएंगे, कितनी टाइम जाएगा, समथिंग हमेशा पॉइंट के 1 या 2 नंबर जरूर जाना, तो क्या यहाँ कितनी टाइम्स बार जाएगा, 5 5 3 जा 15 5 3 जा 15 16 5 6। अब हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 2 25। अब हमारा आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, WnA 0.75, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
ये है हमारा वाटर टू एयर, क्लियर है। आपको कुछ इसमें नहीं करना था, सिर्फ आपको जो वैल्यू दिया था उसको लिखना था, उसके बाद जो पूछा था उसको क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद फार्मूला अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा सेम वैसे जैसे इसके पहले क्वेश्चन हमारा। इस बार हमारा क्या कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एयर टू डायमंड की बात कर रहा है। इसके पहले किसकी बात किया था, एयर टू वाटर की बात किया गया था। इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक ओ, जल का पूर्णांक था जिसे हिंदी में बोलते हैं। अब हमारा जो दिया है उसको पहले आप नोट कर लीजिए, क्या क्या दिया गया है, एयर टू डायमंड यानी कि ए एन डी इक्वल टू कितना दिया है 2.42, ये आपको दिया गया है। अब आपसे पूछ कह रहा है डी एन ए, आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, ए एन डी इक्वल टू क्या होता है 1/DNA। इसका मतलब क्या होता है, एयर टू डायमंड जिसे बोलते हैं वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, ये हमारा हिंदी में होता है कि वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, हीरे का। तो आपसे किस, ये क्या होता है डायमंड टू एयर, क्लियर है। अब हमसे डीएनए पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, डीएनए इक्वल टू 1/ANDDNA। अब यहां से ए एन डी की वैल्यू क्या है 2.42 है, फिर वही चीज करेंगे आप पॉइंट को हटाएंगे तो 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.42 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2.42 डिवाइड बाय 100, फिर नहीं जाएगा क्या करेंगे आप पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे। उसके बाद कितनी टाइम्स बाद जाएगा ये चेक कर सकते हैं, 4 टाइम्स चेक करते हैं, 4 2 8, 4 4 16, 1 4 2 8 9, 2 आया 3। अब यहाँ हम 0, तो 1 टाइम जाएगा 2 4 2, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 0.41, यानी कि डीएनए इक्वल टू 0.41, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, आपको दिया गया है एयर टू डायमंड यानी कि एयर टू डायमंड कितना दिया गया 2.42, और क्या दिया गया है डीएनए आप फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हमारा जो फार्मूला होता है एयर टू डायमंड क्या होता है 1/Diamond टू एयर, तो हम डीएनए आप निकाल सकते हैं 1/ANDDNA, ANDDNA की वैल्यू क्या है 2.42। आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे इधर हम तो 0.41 आ जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 6/5 इफ इट्स स्पीड इन एयर इट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको कैसे क्वेश्चंस करेंगे, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, आपको फार्मूला बता चुके हैं। अब आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्लियर है। यहां मीडियम आपको नहीं दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे फाइंड आउट करना है मीडियम कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या क्या दिया है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया है और क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में दिया गया है, तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ
light in air divided by refractive index. क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, वैल्यू जो दी गई है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितना दिया गया है, 3 लाख डिवाइड बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 6/5। अब हम क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, तो हम 6 1 6 6 5 60 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 25 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यहां पॉइंट होता है, पॉइंट यहां लाएंगे तो क्या लाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने नंबर से बाद आया, 5, यानी 2.5 × 10^5 किलोमीटर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास क्या दिया गया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया गया था, और क्या दिया गया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया था, और मीडियन आपसे फाइंड आउट करना था। मीडियन निकालने के लिए ये चीज यहाँ आएगी और ये यहाँ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसका 6/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, 6 1 6 6 5 30, तो कितना आ गया हमारा, 50,000 हो गया, तो इसका अब 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, 25,000। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, सेम ऐसे ही जैसे आपने क्वेश्चन किया है, इसमें इस बार हमको क्या दे दिया, मीडियम दे दिया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, मीडियम दिया है तो आप यहाँ मीडियम लिखेंगे तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इस बार आपको क्या दिया गया है, डायमंड दिया गया है, तो आप उससे क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 2.42, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में भी दिया गया है वैल्यू 3 × 10^8, तो आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 3 × 10^8, और वैल्यू क्या दी गई है, 2.42। क्लियर है? अब यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 300 × 10^8, कितना हो जाएगा, 242। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2 2 4 2 1 2 1 5 0। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या आया, 150/121 × 10^8, तो आप इसको अब डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, ये 9, यहाँ कितना बचेगा, 42.0। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कितने टाइम्स बाद जाएगा, ये 2 चेक कर लेते हैं, 9 और 2, हाँ कितने टाइम्स बाद जाएगा, 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2, ये 8 आ जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ से, 8 4 0, ये कितने टाइम्स के बाद जाएगा, लगभग
फोर चेक करते हैं, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, 84 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी थ्री, यानी हमारा क्या आ जाएगा 1.23 इंटू 10 पावर 8 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, किसमें दिया है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में आ जाएगा। आप इसको अच्छे से चारों क्वेश्चंस देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लेंस के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसके पहले भी वीडियो आप नहीं देखें, क्वेश्चंस इसके पहले भी आप कराए थे, तो आप इसको अच्छे से क्या करें नोट कर लीजिए और राइट कर लीजिए अच्छे से, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे लगाते रहिए, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे हम, बाकी आप क्वेश्चंस लगाते रहिए अपने से। थैंक यू।